हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ शॉर्टकट ट्रिक टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनटू अ फ्रैक्शन, सो इट्स वेरी इजी लेट अस स्टार्ट लेट्स सपोज वी हैव वी नीड टू डिवाइड वन विद थ्री अगर हमें एक को तीन से डिवाइड करना है राइट right? तो हम कैसे करते हैं देखिए इसको डिवाइड करने के लिए वन थ्री के टेबल में नहीं आता तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं और जीरो बना देते हैं और थ्री थ्री ज़ार नाइन लेकिन रिमाइंडर क्या आता है वन यानी फिर से उसी सिचुएशन में तो हम फिर ज़ीरो लगाते हैं और थ्री थ्री ज़ार नाइन फिर रिमाइंडर वन तो ये ऐसे चलता जाता है और हमारा आंसर वन बाई थ्री का क्या आता है ज़ीरो पॉइंट थ्री 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 डॉट 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 ये इसी तरह से आंसर आता है और इसको हम क्या लिखते हैं ज़ीरो पॉइंट थ्री बार राइट तो यहां हमारा ट्रेडिशनल मेथड है अब अगर कंपिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस तरह के आते हैं पहले ये ध्यान से देखिए फिर हम देखेंगे उनकी शॉर्टकट ट्रिक्स कंपटीशन में क्वेश्चन आएंगे 0.3 बार को फ्रैक्शन में लिखो 0.85 बार को फ्रैक्शन में लिखो या 0.248 बार को फ्रैक्शन में लिखो एक और लिख देते हैं यानी कि जीरो पॉइंट थ्री एट सेवन टू बार को फ्रैक्शन में लिखो अब इसका मतलब क्या है देखिए इसका मतलब है जीरो पॉइंट थ्री 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 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब के बार है तो यानी कि सिर्फ फाइव फाइव रिपीट हो रहा है यहां पर अब इसका मतलब देखिए टू फोर एट है तो जीरो पॉइंट टू फोर एट टू फोर एट टू फोर एट यानी कि टू फोर एट कंप्लीटली रिपीट हो रहा है और लास्ट पार्ट देखिए जीरो पॉइंट थ्री एट सेवन टू के ऊपर बार है तो सेवन टू सेवन टू सेवन टू डॉट डॉट इनका मतलब यह है और हमें क्या करना होगा इसी की फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताना है तो शॉर्टकट ट्रिक करेंगे बिल्कुल सेकेंड्स में आप इसका आंसर लिख पाएंगे पेपर में बड़ी मुश्किल कोई मुश्किल नहीं होगी बहुत आसानी से कर पाओगे लेकिन सीधा कन्वर्ट नहीं करेंगे आज थोड़ा सा पहले ट्रेडिशनल मेथड भी समझते हैं कि एक्चुअली ये करते कैसे हैं फिर इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी करेंगे तो देखते हैं पहले हम 0.3 बार है तो एक क्वेश्चन को उसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं कि कन्वर्ट कैसे करते हैं मान लीजिए हमारे पास है जीरो बार और मुझे इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में फ्रैक्शन यानी कि किस फॉर्म में p बाई क्यू की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है मैं मान लेता हूं x इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री बार अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा x इज इक्वल टू जीरो डॉट 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 राइट थ्री रिपीट करते जाएंगे अब रूल क्या होता है कि अगर थ्री बार है यानी कि एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो हमें क्या करना है दोनों तरफ टेन से मल्टीप्लाई करना है क्या करना है मल्टीप्लाइंग बाय टेन ऑन बोथ साइड्स। अगर यहां पर दो डिजिट्स रिपीट होते तो हम हंड्रेड से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं अभी टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड बनेगी टेन एक्स राइट साइड में ये डेसिमल उठ के एक डिजिट आगे चला जाएगा और ये बनेगा थ्री पॉइंट थ्री 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 डॉट्स एज इट इज देन टेन एक्स इज इक्वल टू थ्री पॉइंट अब थ्री रिपीट हो रहा है आई कैन राइट इट एज थ्री बार अब मैं इसको फर्स्ट सपोज कर लेता हूं और इसको सेकेंड सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वट विल वी गेट देखिए ऊपर आएगा टेन एक्स इज इक्वल टू थ्री पॉइंट थ्री बार नीचे आएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री बार सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं टेन एक्स में से एक्स माइनस किया नाइन एक्स थ्री बार से थ्री बार माइनस किया जीरो थ्री में से ज़ीरो गया थ्री तो एक्स की वैल्यू थ्री बाय नाइन यानी कि काट के एक्स की वैल्यू क्या होगी वन बाय थ्री यही हमने पहले अभी डिवाइड करके देखा था कि अगर वन को थ्री से डिवाइड करें तो क्या आता है ज़ीरो पॉइंट थ्री बार और अब जीरो पॉइंट थ्री बार को अगर वापस वन बाय थ्री तक पहुंचना हो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो देखिए ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है जो कि लेंथी बहुत है और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम इसको नहीं यूज़ कर सकते अदरवाइज़ एक ही क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा तो अब शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी आसान ट्रिक जिसको करना आप देखिएगा कि बिल्कुल आसानी से कैसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं मान लीजिए 0.3 बार को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम इसको कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे सीधा इसका आंसर लिखेंगे करना क्या है बार देखिए कितने डिजिट्स के ऊपर है एक डिजिट के ऊपर बार है, बस उतने नाइन नीचे लगा दीजिए मैंने नीचे एक नाइन लगा दिया राइट और ऊपर क्या आ रहा है थ्री रिपीट हो रहा है तो बस थ्री बाय नाइन इसका आंसर होगा आगे इसको काट दीजिए तो इट विल बी वन बाय थ्री अभी यही क्वेश्चन किया था हमने मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाए रिपीटिंग के लिए जीरो बार तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इतने स्टेप्स लगाने की तीन तीन डिजिट्स हैं हैं जो रिपीट हो रहे हैं। नीचे आएंगे तीन बार कि तो जाता है तो इसका आंसर क्या होगा अब आप भी बता सकते हैं नीचे दो नाइन ऊपर थर्टी फाइव आगे देखिए जीरो पॉइंट टू एट सेवन फोर मान लीजिए फोर डिजिट्स के ऊपर बार लगा आ गया तो इसका आंसर क्या होगा टाइम्स नीचे और ऊपर टू एट सेवन फोर है ना बिल्कुल आसान कि अगर जीरो पॉइंट डेसिमल के बाद सभी डिजिट्स रिपीटेड हो जैसे एक रिपीट है तो उतने नाइन तीन रिपीट हो रहे हैं तीन नाइन टू रिपीट हो रहे हैं टू नाइन फोर रिपीट हो रहे हैं तो फोर नाइन बिल्कुल इसी तरीके से आसानी से करना है लेकिन सवाल अब इसके बाद आगे क्या उठता है कि अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए जीरो पॉइंट एट फाइव बार और अक्सर ऐसा ही आएगा ये कम आते हैं जीरो पॉइंट एट फाइव बार आ जाए तो उसका आंसर कैसे लिखना है ट्रेडिशनल मेथड में टेन से मल्टीप्लाई करके बहुत लेंथी करना पड़ेगा लेकिन इसका आसान तरीका सुनिए बार एक डिजिट के ऊपर आ रहा है तो एक नाइन आएगा रूल वही यहाँ पे जितने डिजिट्स के ऊपर बार आता था उतने नाइन लगाते थे यहाँ पर भी एक डिजिट के ऊपर बार आया तो एक नाइन लगा दिया अब आगे क्या करना है आगे ये देखना है कितने डिजिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं आ रहा वो एक है यहाँ पर एट राइट right? जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं आ रहा उतने जीरोज लगाने यानी कि यहाँ पर एक जीरो लगेगा इस बार की वजह से एक नाइन बार ना होने की वजह से एक जीरो राइट और इसके बाद अब न्यूमरेटर क्या लिखना है न्यूमरेटर देखिए ये एट्टी फाइव है ना एट्टी फाइव में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको सब्ट्रैक्ट करना है इस एट को एट को क्यों करना है जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं आएगा बिना बार वाले डिजिट को टोटल एट्टी फाइव में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ये आएगा सेवनटी सेवन तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा सेवनटी सेवन बाय 90. तो बहुत ही आसान मेथड है अभी कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जीरो पॉइंट इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो बच्चे तो नाइन्थ क्लास का टॉपिक है बहुत गलतियां करते हैं इसमें इसको अगर कंपिटेटिव एग्जाम्स में करना हो तो देखिए बार कितने डिजिट्स के ऊपर आ रहा है सिर्फ दो डिजिट्स के ऊपर तो दो बार नाइन लगा दीजिए और थ्री एट दो डिजिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं आ रहा है तो दो जीरोज लगा दीजिए बिल्कुल आसान और फिर थ्री एट सेवन टू जो हमारे पास टोटल वैल्यू है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्टी एट जिनके ऊपर बार नहीं है सिर्फ उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करना है और ये सब्ट्रैक्ट करके हमारा क्या बन रहा है थ्री एट थ्री फोर तो इसका आंसर ये आएगा आगे काट सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसका आंसर क्या बनेगा थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी फोर डिवाइड बाई 9900. नाइन हंड्रेड तो बहुत आसान है कुछ और पार्ट करते हैं जीरो पॉइंट फोर थ्री एट बार मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाता है तो अब हमारा कंसेप्ट बिल्कुल तैयार है एक डिजिट के ऊपर बार आ रहा है तो एक नाइन लगाएंगे दो डिजिट्स के ऊपर बार नहीं आ रहा है दो जीरोज लगाएंगे और फोर थर्टी एट में से क्या करेंगे 438 में से इस 43 को सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है 395, यानी कि इसका आंसर बनेगा 395 अपॉन नाइन है ना बिल्कुल आसान एक पार्ट और सीखते हैं इसी कंसेप्ट का 0.4382 बार मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कोई चिंता नहीं है तीन डिजिट्स के ऊपर बार आ रहा है तीन बार नाइन लगाया एक के ऊपर नहीं आ रहा है तो एक बाई जीरो लगा दिया और फिर क्या करना है फोर थ्री एट टू में से सब्ट्रैक्ट किसको करना है इस फोर को क्योंकि फोर के ऊपर बार नहीं आ रहा है तो राइट इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या बनता है फोर थ्री सेवन एट तो इसका आंसर बिल्कुल आसान आप देखिए एक स्टेप में इसका आंसर लिख सकते हैं फोर थ्री सेवन एट अपॉन ट्रिपल नाइन जीरो अब इतना करने के बाद एक टाइप इसकी बाकी है अगर आप वो सीख जाते हैं तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी तो मैं वो टाइप अब आपको करवाने जा रहा हूं, एक पार्ट उसका करेंगे ताकि समझ आए मान लीजिए थ्री पॉइंट थ्री बार आ जाए अभी हमने जितनी भी एग्जाम्पल करी उसमें आगे जीरो था लेकिन अगर जीरो होने की बजाय कोई और वैल्यू आ जाए तो मैंने सिर्फ आपको एक स्टेप बताना है आगे आप कर सकेंगे इसे आपने ये लिख देना है थ्री प्लस जीरो पॉइंट थ्री बार इतना लिखना कोई मुश्किल नहीं है बस डेसिमल के आगे वाली कोई भी वैल्यू हो उसको अलग कर देना है और पीछे वाली वैल्यूज को अलग कर देना है और आगे क्या करेंगे इसका आंसर निकालना हमने सीखा है क्या इसका आंसर होगा एक डिजिट के ऊपर बार आ रहा है तो वही नाइन नीचे और ऊपर क्या आएगा सिर्फ थ्री आएगा अभी पिछले टॉपिक में पिछले पेज में हमने पढ़ा था कि अगर डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट रिपीटिंग हो रहा है तो वही डिजिट लिखना है हमें और इसको काट के देखिए तो अपना आंसर बना थ्री प्लस वन बाय थ्री यानी कि थ्री एलसीएम नाइन प्लस वन और इसका आंसर क्या होगा टेन बाय थ्री जो कि बिल्कुल ठीक है तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया और बहुत ही आसान ट्रिक करी इसी तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास आपने क्या करना है बस थ्री को आगे कर देना है या डेसिमल के पहले जो भी वैल्यू हो उसको आगे कर दीजिए और पीछे वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर दीजिए तो आज की की हुई आसान ट्रिक को यूज़ करके डेफिनेटली कंपिटेटिव एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके हंड्रेड ठीक होने वाले हैं आई होप आपने आज इन्जॉय किया होगा ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा बस हमारे वीडियोज़ को आप लाइक like और शेयर ज़रूर करते रहें थैंक यू